Hello everyone. Hi. This is Shinjin. This is Devanjali. और लॉकडाउन पीरियड में बैठे हुए हैं, पर कोई नहीं, आई एम वेरी होपफुल कि बहुत जल्द सिचुएशन सब स्टेबल हो जाएंगे और घर बैठे बैठे क्या करेंगे, तो सोचा कि पार्ट टू का एपिसोड मतलब शूट किया जाए आप लोगों के लिए। और हमारे वेडिंग में पार्ट टू में हम दिखाने वाले थे ग्रूम साइड में फैमिली मेंबर्स ने क्या क्या पहना था, कौन से क्या दिन में। लास्ट एपिसोड जो ब्राइट साइड में था, वो अगर किसी ने नहीं देखा है तो लिंक अभी आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, तो प्लीज वो लिंक क्लिक कीजिएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे में लिंक दिया हुआ रहेगा, वो एपिसोड पहले देख लीजिएगा कि ग्रूम साइड में हमारे वेडिंग में क्या साड़ियाँ पहने थे, उसके बाद आप ब्राइट साइड में क्या साड़ियाँ पहने थे, उसके बाद ग्रूम साइड में क्या क्या साड़ियाँ पहने थे और कौन से दिन में पहने थे, वो आप लोगों को अभी हम लोग दिखाएंगे। पर उससे पहले एक कहना चाहूंगा कि ये एपिसोड का भी दो पार्ट में शूट होगा, मतलब दो पार्ट में शूट नहीं होगा पर अपलोड दो पार्ट में होगा, क्योंकि ये तो थोड़ा लंबा हो जाएगा एपिसोड, क्योंकि यू नो साड़ियाँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स भी ज्यादा है, तो और ओकेशंस भी बहुत ज्यादा था। तो इस एपिसोड का दो पार्ट में हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो होपफुली आप सभी ने ब्राइट साइड वाला एपिसोड ऑलरेडी देख लिया है कि ब्राइट साइड में मेरे मम्मी ने और मेरी मासी ने हमारे जो वेडिंग में जितने सारे ओकेशंस थे उसमें क्या क्या उन लोगों ने पहना था। और आज का जो एपिसोड है वो है ग्रूम साइड का, लेकिन आज का जो एपिसोड है ये पार्ट वन ही है खाली, क्योंकि ग्रूम साइड में सभी ने क्या पहना था वो एक ही एपिसोड में कवर हम लोग नहीं करेंगे। आज सिर्फ पार्ट वन करेंगे और कुछ दिन बाद हम पार्ट टू भी अपलोड कर देंगे आप सभी के लिए। तो शुरू करते हैं, वो पहला साड़ी जो मेरी मदर इन लॉ ने पहना था, फर्स्ट जो ओकेशन था उसमें। पहला ओकेशन मेरा आशीर्वाद सेरेमनी था, तो ब्लेसिंग सेरेमनी 17th January 2019, सी आई रिमेम्बर द डेट। सो एनी वे, सो ये फ्यूजन स्टूडियो का एक प्योर खड्डी बनारसी है और एंटिक जरी का काम है पूरा। ये मेरे मम्मी ने पहना था, मतलब हम दोनों की मम्मी ने पहना था, लाइक बिकॉज दीपांजलि इज मदर इन लॉ एंड माई मदर। सो बहुत अच्छा एक कलर है, फ्लोरोसेंट ग्रीनिश कलर, और उसके साथ हमने ये एंटिक जरी का वर्क इस्तेमाल किए हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दिस इज द एक्वा ग्रीन कलर। सो बहुत अच्छा लग रहा है, दिस इज द एक्वा ग्रीन कलर हमने इस्तेमाल किया है इंची बॉर्डर में, और ये जो बनारसी बॉर्डर है ये ब्रॉड आ रहा है और दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ ये जो ब्रॉड बॉर्डर है ये सेम है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर में जो लेंथ है और यहाँ पर भी सेम इक्वल साइज में है। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बूटी जो है ये पूरा कड़वा काम है, ये पूरा जो बूटी है और जो बॉर्डर है ये पूरा कड़वा काम में आएगा और ऑल ओवर साड़ी में ऐसे ही छोटे छोटे बूटी करके जाएगा। और क्योंकि ये प्योर खड्डी है तो इसका वेट भी बहुत लाइट है और ये बहुत सॉफ्ट आता है, यू कैन सी द हैंड फील ऑफ द फैब्रिक, ये पूरा लाइट वेट है और समर के टाइम पे तो बहुत अच्छा होता है। और हाफ ऑफ द साड़ी प्लेन आएगा, हाफ ऑफ द साड़ी आपका डुपियन में आएगा, जैसे कि आप देखिए यहाँ तक ये हाफ पोर्शन खड्डी में आ रहा है, फिर वीविंग में ही, कोई जोन में नहीं है, आप देखिए पूरा वीविंग में ही ये जा रहा है पूरा, बाकी जो डुपियन में जा रहा है ये हाफ पोर्शन, पर वो भी वीविंग में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वीविंग का धागा अलग हो रहा है, यहाँ तक खड्डी है और यहाँ से डुपियन चालू हो रहा है। तो ये आपको ये स्ट्राइप्स मिल जाएगा डुपियन का, ये रॉ सिल्क में है डुपियन, द एक्स्ट्रा फाइन क्वालिटी हमने यूज़ किया है इस्तेमाल, दिस इज कम्प्लीटली मेड इन फ्यूजन स्टूडियो। और ऑल ओवर साड़ी में बाकी हाफ में ऐसे ही प्लेन एंड सिंपल जाएगा, पर ये बॉर्डर जो है दोनों तरफ ऐसे ही इक्वल मोटिफ में जा रहा है। एंड द कलर इज रियली नाइस, एंड दिस कलर इज पिस्टैशियो ग्रीन, एकदम लाइट पेस्टल पिस्टैशियो ग्रीन कलर है। और इसका ब्लाउज पीस अभी आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि इट इज ऑलरेडी बिन मेड। नाउ अभी टाइम है मेरी मम्मी का साड़ी दिखाने का, जो कि तुम्हारे ब्लेसिंग सेरेमनी में पहना था, मतलब दीपांजलि के साइड में जो आशीर्वाद सेरेमनी हुआ था या ब्लेसिंग सेरेमनी हुआ था उसमें मेरी मम्मी ने ये साड़ी पहना था, और आप लोगों को फोटो में मिल जाएगा द
दिस इज द साड़ी, ये मेरी मम्मी ने चूज किया था पहनने के लिए, एंड दिस इज अ कम्प्लीटली हैंड वोवन बंगाल हैंडलूम प्योर मजलिन जामदानी। ये प्योर हैंड वोवन मजलिन जामदानी है, ये पूरा हैंडवर्क का साड़ी है और आप लोग देख सकते हैं दिस इज अ टसर बॉर्डर, दिस इज अ नैरो टसर इंची बॉर्डर। और यहाँ पर देखिए दिस इज अ कम्प्लीटली हैंड वोवन साड़ी। मैं पहले बैक साइड का वर्क दिखाना चाहूँगा, यू कैन सी दिस वर्क फिनेस। ये आप लोग देखिए दिस इज कम्प्लीटली हैंड वोवन, कितना नीटली वीव किया हुआ है। और ये जो वीविंग है ये कभी नहीं निकलेगा और कभी ख़राब नहीं होगा, दिस इज सो नीटली डन। और ये थोड़ा ऊपर करो, मैं आंचल पोर्शन और एक अच्छी तरह से एक बार दिखा दूँ। बस अभी देखिए आप लोग, ये दिस इज लाइक अ ट्री, उसके ऊपर ये जो बर्ड्स और फ्लावर्स है इसमें भी आप डिटेलिंग देखिए। ये जो लिप्स है बर्ड का इसमें भी डिटेलिंग देखिए, द आईज एंड यू कैन सी द फेदर कलर्स ऑल्सो एंड द लेग्स। सो पूरा डिटेलिंग हमने मेंटेन किए हैं। और यहाँ पर देखिए दो कलर का तीन कलर का इस्तेमाल है फ्लावर्स में भी, और पूरा जो काम है ये पूरा हाथ से बना हुआ है। और यही सेम जो आंचल का थीम है आप लोग देख रहे हैं, वही थीम बॉर्डर में भी कंटिन्यू होता जा रहा है, पर यहाँ पर और एक डिफरेंट मोटिव का भी फ्लावर का इस्तेमाल किए हैं। और यहाँ पे यू कैन सी फ्लावर पेटल्स में भी हम लोगों ने ये डॉट्स कितने माइन्यूटली इस्तेमाल किए हैं, हमारे वीवर्स ने बहुत मेहनत से ये वीव किए हैं। और ये बॉडी में ऑल ओवर फ्लोरल आ रहा है, फ्लोरल नक्शा आप लोग देखिए, ये ऑल ओवर फ्लोरल नक्शा ये पूरा बॉडी में आ रहा है, कम्प्लीटली हैंड वोवन, पूरा ऑल ओवर बॉडी में ऐसे ही फ्लोरल नक्शा जा रहा है। दिस इज अ प्योर हैंडलूम मजलिन और बंगाल हैंडलूम का है, सिल्क मार्क एंड हैंडलूम मार्क बोथ सर्टिफाइड, और ऑल ओवर साड़ी में ऐसे ही वर्क था। और अभी मैं आप लोगों को ब्लाउज पीस नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि अगेन वो ऑलरेडी मेक हो चुका है, एंड ये साड़ी का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 55,000 के करीब था। दिस इज द फेवरेट दुपट्टा, मेरे सिस्टर का फेवरेट बनारसी दुपट्टा, और बहुत शौक से बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा था वो जब पहने थे। मैं आप लोगों को फोटो मैं अभी दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये फोटो, और ये रंग कट मोटिफ में हम लोगों ने ये बनारसी दुपट्टा वीव किए हैं, एंड दिस इज अ कम्प्लीटली ट्रेडिशनल नक्शा, पर ये रंग कट मोटिफ में है आप लोग देख सकते हैं, कम्प्लीटली मेड इन बनारसी कतान, पूरा ऑल ओवर कतान बनारसी में बना हुआ है। और मैं आप लोगों को आंचल दिखाता हूँ आप लोगों को, यू कैन या एग्जैक्टली द बॉर्डर ऑफ द लाइक द मोटिफ इज लुकिंग लाइक एन आंचल, बिकॉज ये पूरा ट्रेडिशनल बनारसी नक्शे से ही बना हुआ है। तो ये मैं आप लोगों को बताऊँगा कि दिस इज द लाइक बॉर्डर ऑफ द दुपट्टा, जो कि आप लोगों को आंचल की तरह ही लगेगा। ये देखिए आप लोग ये जो नक्शा देख रहे हैं, ये पूरा जो बॉर्डर है ये एक बार काट के कोई साड़ी में अगर मैं लगा दूँ तो पूरा एकदम नीटली वीव्ड कतान बनारसी का ही आंचल लगेगा। एंड यहाँ पर देखिए आप लोग कोनिया का भी वर्क किया हुआ है, दीज आर द डिटेलिंग्स आप लोग देखिए। यहाँ पे और एक आपको नक्शा नज़र आ रहा है, ये कोनिया इस साइड में भी दिया हुआ है, तो चार कोना में आप लोगों को चार कोनिया नजर आएगा, यू कैन सी देयर ऑल्सो एंड यू कैन सी देयर ऑल्सो। और यहाँ पर सिल्वर और मैट फिनिश्ड गोल्डन जरी का इस्तेमाल है, यहाँ पे जो डायगोनल स्ट्राइप मोटिव में हम लोगों ने ये मोटिव डाला है बनारसी का। और यहाँ पर ये देखिए जो केरी मोटिव है इसमें हम लोगों ने तीन कलर का मीनेकारी वर्क इस्तेमाल किए हैं, तो तिल्फी मीनेकारी वर्क है यहाँ पे आप लोग देखिए ऑल ओवर, एंड यू कैन सी द वर्क फिनिशिंग। मैं आप लोगों को क्लोज अप दिखा रहा हूँ नज़दीक जाके, एंड द कलर इज़ रियली वेरी नाइस, एंड यू कैन सी द बॉर्डर ऑल्सो ऑफ द दुपट्टा, एंड रियली नीटली डन। और यहाँ पर देखिए सेंटर में एक एम्ब्लम पैटर्न का आ रहा है, जिसमें हम लोगों ने इक्वल एकदम नाप से हम लोगों ने पूरा ये वीव करके जोड़ दिया है, पर पूरा ही वीविंग में आ रहा है, यू कैन सी हियर, ये पोर्शन रेड कलर का है, ये पोर्शन आपका येलो का है, ये पोर्शन आपका पर्पल का, और ये पोर्शन ग्रीन का, तो पूरा चारों ओर हम लोगों ने वीव करके ऐसे बीच में जोड़ दिया है, पर पूरा ही वीविंग में है। तो दिस इज़ अ रियली नीट पैटर्न ऑफ वीविंग। और यहाँ पर देखिए सिल्वर एंड मैट फिनिश्ड गोल्डन जरी का इस्तेमाल है थ्रू आउट द दुपट्टा। और मैं आप लोगों को रिवर्स साइड भी दिखाना चाहूँगा, यू कैन सी द रिवर्स साइड हाउ नीटली वीव्ड इट इज, और इंची बॉर्डर जो है, और आप लोग फोटो में ऑलरेडी देखे हैं क्योंकि उसने रंग कट मोटिव का दुपट्टा लिया था, तो
सलवार और कमीज जो था वो एकदम प्लेन था एंड शी वॉज लुकिंग रियली वेरी नाइस और मेरे शादी में पहना था तो आई वॉज रियली वेरी वेरी हैप्पी. इट्स अ रियली नाइस पीस. अभी हम लोग अगला साड़ी देख लेंगे. और ये जो साड़ी है ये इट वॉज लाइक स्पेशली मेड फॉर हल्दी सेरेमनी फॉर मतलब मेरे हर फैमिली मेंबर्स के लिए लाइक मेरे कजन सिस्टर्स मेरे आंट एग्जैक्टली ऑल द लेडीज इन द फैमिली सभी के लिए ये साड़ी हम लोगों ने बनाया था. सो स्पेशली फॉर दिस हल्दी सेरेमनी तो ये साड़ी सभी ने पहना था मेरे हल्दी के दिन में मतलब हल्दी रसम राइट. तो ये आप लोग देख सकते हैं ये पूरा एप्लिक वर्क किया हुआ है और एप्लिक वर्क का साड़ी है. आंचल और बॉर्डर में हम लोगों ने पूरा ये एप्लिक वर्क डाला है और बीच में ये छोटे छोटे सर्कल बूटा करके ऑल ओवर साड़ी में डाला है और बहुत अच्छा लग रहा है. ये पूरा हम लोगों ने कोटा का थान इस्तेमाल किए हैं और अभी ऑल ओवर देख लेंगे साड़ी को. इट वॉज रियली प्लेन एंड सिंपल साड़ी पर सभी ने जब एक साथ पहना था ना ये साड़ी का फ्लेवर ही अलग लग रहा था. इट वॉज आई वॉज सो हैप्पी यू नो सभी आप लोग फोटो में देख सकते हैं कि सभी कितना इन्जॉय किया और सभी वॉज इन अ वेरी हैप्पी मूड और ये दिस येलो वॉज ग्लोइंग इन दैट डे यू नो दैट मॉर्निंग दिस येलो वॉज ग्लोइंग एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मेरे फैमिली मेम्बर्स ने इतना एंजॉय किया मेरे शादी में. सो होपफुली आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा एंड आई वॉज रियली वेरी नॉस्टैल्जिक यू नो तुम भी एग्जैक्टली आई कैन रियली आई वॉज रियली विजुअलाइजिंग यू नो एवरी थिंग वॉट हैज हैपेंड यू नो पूरा एकदम फ्लैशबैक में चला गया था एंड आई वॉज नॉट एग्जैक्टली into me because शायद रोबोट्रॉनिक वे से मैं काम कर रहा था रोबोट्रॉनिक वे से कि ठीक है चलो साड़ियाँ दिखा रहे यू नो बोल रहे थे आप लोग साड़ी डिफाइन कर रहे थे पर माई माइंड वॉज यू नो इन 2019 इन दोज डेज यू नो बिकॉज आई वॉज यू नो रिलीविंग दोज मोमेंट्स एंड दैट वॉज अ रियली नाइस मेमरी विच वॉज क्रिएटेड फॉर अ लाइफ टाइम राइट. सो आई विल मिस दोज डेज बट एनीवेज मेरे सिस्टर का शादी बहुत जल्द आ रहा है तब धमाल मचाएंगे. हमारा जो ये सीरीज हो रहा है इसका लास्ट एपिसोड भी आप लोगों को दिखाना है जिसमें हम लोग दिखाएंगे कि हम दोनों ने एक्चुअली हमारे वेडिंग के सारे ओकेशंस में क्या पहना. एग्जैक्टली वो दिखाएंगे एंड दैट एपिसोड इज कमिंग वेरी वेरी सून ट्रस्ट मी वेरी सून. और आप लोग अगर ये एपिसोड अच्छा लगा प्लीज लीव अ कमेंट बिलो दिस वीडियो एंड प्लीज जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हाथ जोड़ के कह रहा हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. इट विल बी अ रियली बिग सपोर्ट टूवर्ड्स अस बिकॉज आई रियली होप कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बहुत जल्द आप लोगों के लिए फाइनल एपिसोड लाएंगे हमारे वेडिंग का वेडिंग सीजन या ओके. सो बहुत जल्द मिलेंगे. टिल देन टेक केयर स्टे गुड गॉड स्पीड पीस बाय एवरीवन.